सो हेलो दोस्तों, कैसे आशा स्वागत है आपका फिर से बिहार शरीफ जंक्शन पे। और बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बनाने आया, क्योंकि मैं अभी पढ़ाई में बिजी था और मुझे एग्ज़ाम भी देना था। तो एग्ज़ाम देने के बाद मैं अभी फ्री हुआ हूँ, तो अपने शहर वापस आया हूँ। तो सोचा हूँ कि एक वीडियो अपलोड कर दिया जाए बिहार से जंक्शन पर बना करके, तो देख सकते हैं। आज मैं जब स्टेशन पर घूमने आया तो आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पर आस्था स्पेशल ट्रेन जो है, पटना कटरा पटना आस्था स्पेशल ट्रेन की जो रेक है वो यहाँ लाकर लगा दी गई है। मैंने इसे देखा तो सोचा क्यों ना अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं व्यूअर्स हैं उनको भी बताया जाए ये बात। और देख सकते हैं ये, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ देखा कि इन लोगों ने इसे टेप से चिपकाया है, मतलब कोई नेम प्लेट आगे भी लगाया है कहीं कहीं पे, लेकिन कुछ खास खर्चा नहीं। मतलब जैसे यहाँ पे एक नेम प्लेट लगा सकते थे पटना कटरा पटना आस्था स्पेशल ट्रेन, तो वो नहीं किया। और बल्कि एक बड़ा सा पोस्टर लगा दिया, ये प्रचार के लिए भी हो सकता है, ताकि लोगों को साफ साफ दिखे कि आस्था स्पेशल ट्रेन है जो पटना कटरा पटना के लिए चलेगी। और इस ट्रेन का नंबर है 03265। तो चलिए मैं आपको अभी इसके उस साइड जाकर आपको पूरा इस ट्रेन का लुक दिखाऊंगा और पूरा व्यू दिखाऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इसके अपोजिट साइड जब मैं आया तो मुझे ये देखने को मिला है कि यहाँ पे नेम प्लेट लगाया गया है आस्था स्पेशल ट्रेन का। देख सकते हैं पटना से जब ये कटरा जाएगी तो इसका ट्रेन नंबर 03265 है, और जब उधर से वापस आएगी तो भी सेम नंबर है 03265 है। शायद नहीं, सेम लिखा हुआ है आने वक्त का। इधर डॉन वाला नंबर भी तो लगता है सेम ही लग रहा है। हाँ, दोनों सेम ही है। और ये देख सकते हैं आप लोग इसका नेम प्लेट, ये लगा रहा आस्था स्पेशल पटना कटरा पटना। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जब इस ट्रेन को चलाया गया था तो देख सकते हैं इसे फूलों से सजाया भी गया था। सारे खिड़की पे आप देख सकते हैं, पूरे यहाँ से लेकर पीछे तक जितना दूर मैं जाऊँ तो ये फूल से सजी हुई थी पूरी ट्रेन। और साथ ही साथ आप लोग इधर भी देख सकते हैं ये 5 नंबर प्लेटफॉर्म के बगल वाला एरिया है, जो कि पहले पूरा खाली होता था, लेकिन अब यहाँ पर मिट्टी भराई कर दी गई और शायद यहाँ पर कुछ बनाया जाएगा। लेकिन मुझे अब ये पता नहीं कि यहाँ पर क्या बनाया जाएगा। फिलहाल तो लोग इसे अभी प्लेग्राउंड समझ कर इस पर क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, लेकिन इसमें भी कुछ रेलवे का कंस्ट्रक्शन ही होगा। और जैसे ही कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन आती है कि इसमें क्या कंस्ट्रक्शन होगा, मैं आपको वो भी बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यही है हमारी आस्था स्पेशल ट्रेन लगी हुई बिहार स्टेशन पे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी अपडेट अच्छी लगी होगी, और बाकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और कोई अपडेट होगा तो मैं उसका वीडियो जल्द ही डालूँगा। आप लोग बस चैनल पे बने रहें और मुझ पर से अपना भरोसा ना उठाएं, क्योंकि मेरे अभी एग्ज़ाम चली और मैं पढ़ाई में बिजी हूँ, इसलिए वीडियो डालने में थोड़ा सा असमर्थ हूँ और लेट से वीडियो डाल पा रहा हूँ। जब फ्री हूँ तब डाल पा रहा हूँ, लेकिन जब फ्री होऊँगा तो ज़रूर डालूँगा। इसलिए अपना भरोसा बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग भी नए हैं वो तो ज़रूर कर लें, और कमेंट शेयर जरूर करें, और वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अपने अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।